स्वागत है आपका फिर से मेरी लक अकेडमी में, जहाँ पर मैं आगे लेकर जा रहा हूँ आपको। मैंने देखिए 700 से ऊपर मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब मैं 700 के आपके जो पार्ट फोर बना रहा हूँ, पार्ट फोर मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डिमांड थी या ज़रूरत भी थी, क्योंकि मुझे 1000 पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराना है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पीछे की आप 3 वीडियोज़ देख लें, तो आपके रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आगे या पीछे नहीं जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं बात करूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। पहला रिसर्च का क्या होता है? तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यही हमारे पहले होते हैं। तो दोनों आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च क्या होता है? नहीं होता है। इनमें से कौन सा गलत है? तो रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। रिसर्च आपके एक प्रोसेस नहीं है। बात है कि रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय पर्सन। रिसर्च कौन कर सकता है? तो जिसके अंदर भी थिंकिंग की और रीजनिंग एबिलिटी है वो आपका कर सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जिसमें भी है थिंकिंग एबिलिटीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो रिसर्च ही हमारी लीड्स टू डिस्कवरी करता है। तो रिसर्च के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि यही डिस्कवरी करता है। अब डिस्कशन मेथड हम लोग कब करेंगे? तो डिस्कशन मेथड किया जाता है कब? टॉपिक इज़ वेरी डिफिकल्ट, जब टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तब हम लोग डिस्कशन मेथड करते हैं। ओके, इसके बाद इन अ रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड देन नोन एज। जब हमारा रिसर्च जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बिल्कुल भी हमारा मैनिपुलेटेड नहीं हो रहा है, तो ऐसी को बोलते हैं हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। रिसर्च इज बॉर्न आउट ऑफ, रिसर्च किससे बॉर्न होती है? तो हमारी ह्यूमन क्यूरियोसिटी से ही बॉर्न होती है। अ कॉलेज इज आपका जो है कॉलेज वॉन्ट टू गिव अ ट्रेनिंग टू यूज स्टैटिकल। मैं बता चुका हूँ कि जब भी SPSS या किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है तो सिर्फ हमको वर्कशॉप ही हमें कराना होती है। मेन स्ट्रीम इज टर्म एसोसिएटेड विद, मेन स्ट्रीमिंग किसके साथ एसोसिएट होता है? एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड के लिए मेन स्ट्रीमिंग यहाँ पर यूज होता है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल एक्सेप्ट, क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं सारे के सारे, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हमारा क्वालिटेटिव में नहीं आता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर्क थ्रू, कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके थ्रू वर्क करता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसपॉन्डर से वो यूज़ करता है कम्युनिकेशन सेंटर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल मेथड, मैं देखो एक आपका 1976 में हो रहा है, फिर 86 में हो रहा है, फिर 96, मतलब एक टाइम बाद हो रहा है, एक सिस्टमैटिक टाइम है, 10-10 साल में हम लोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग नहीं है आपका, ये ऑप्शन गलत दे रखा है, याद कर लेना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाई एक लेयर में कर रहे हैं। अ कोरिलेशन कॉफिशियंट ऑफ -1.09 क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एरर इन कंप्यूटेशन। अगर -1.09 आ रहा है ये क्या इंडिकेट करेगा कोरिलेशन में? ये एरर करेगा कंप्यूटेशन में हम लोगों ने कोई गलती कर दी है। अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द किसका होता है? सर्वे का होता है। द इफेक्ट ऑफ ब्रेन इंजरी ऑन पर्सनैलिटी वुड यूजली इन्वेस्टिगेटेड बाय द यूज ऑफ, हमने क्या किया कि भाई किसी की ब्रेन में इंजरी हो गई, अब हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हमको सिर्फ केस स्टडी के थ्रू ही हम उसको कर सकते हैं। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द केस स्टडी क्या है? कि भाई देयर इज नो कंट्रोल ग्रुप, हम कंट्रोल ग्रुप नहीं, जो वो बोलेगा वही हमें को लिखना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अ साइंटिस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कैफीन एंड एग्रेसिव बिहेवियर, तो वो करेगा क्या भैया? वो सीधे बात है, टेस्ट करेगा, कंडक्ट करेगा एक्सपेरिमेंट, तभी उसे पता चलेगा। द एसेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट मेथड, एसेंस की बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड के क्या होते हैं? तो यहाँ पर कंट्रोल लगाया जाता है, आइडेंटिफाइज एंड कॉज इफेक्ट कनेक्शंस को। इफ़ यू ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन रीइंफोर्स इंक्रीज परफॉर्मेंस यू शुड यूज, हम लोग को क्या करना है भाई? इंक्रीज कराना है, रीइंफोर्स और चेक करना है, तो कैसे करेंगे भैया? भैया बिना एक्सपेरिमेंट के हम लोग नहीं कर सकते हैं। एन एजुकेटेड गैस अबाउट वॉट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। अगर कोरिलेशन इज बेस्ट करेक्टराइज बाय, भाई कोरिलेशन कहाँ पर बेस्ट एक्सप्लेन होगा? जहाँ पर मैं बोलूँ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो के बीच में जो रिलेशन बताता है, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन बताता है वही हमारा कोरिलेशन है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ बिहेवियर द क्वेश्चन वी आस्क मस्ट बी, जब भी हमें चेक करना हो तो हम लोग टेस्टेबल बात करते हैं। अ कॉमन सेंस अप्रोच टू द साइकोलॉजी क्या होती है? ऑफन कंडक्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या सही नहीं है?
तो हमेशा याद रखना रिसर्च प्रपोजल इज अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए थर्ड सी ऑप्शन में बोल रहा है कि रिसर्च प्रपोजल इज अनऑर्गेनाइज्ड। हमेशा याद रखना कि रिसर्च प्रपोजल आपका एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक प्लान्ड प्रोजेक्ट होता है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बोला है अनऑर्गेनाइज्ड अनप्लान्ड, मतलब यही हमारा गलत हो जाएगा। प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन इज अ पार्ट, क्या होता है जब भी हम प्रिलिमिनरी की बात करते हैं तो हम एक्सप्लोरेशन करते हैं किसी चीज़ का, डिस्क्रिप्टिव बात करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, जब प्रिलिमिनरी हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट कंडक्टिंग सर्वे इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग, जब कंडक्ट करें हम लोग सर्वे तो ये हम लोग प्राइमरी डेटा के लिए करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट वेरिएबल एस्टेब्लिश द लॉजिकल रीजनिंग इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च क्या होगा, हमेशा हम लोग क्या करेंगे अब हाल के हाल अपनी हाइपोथेसिस बना लेंगे। जब हमें सब कुछ पता है तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे हाइपोथेसिस को इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट वो पूछ रहा है आपसे अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक क्या किया हमने अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज हैंडेड ओवर द रिस्पोंडेंट हु रीड्स द क्वेश्चन और आंसर दे रहा है और अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है, तो यही तो हमारा क्वेश्चन आयर होता है। जब हमें एक रिस्पोंडेंट क्या करता है, एक लिया हमने क्वेश्चन पेपर बना के दे दिया और वो आपके आंसर लिख रहा है, वो क्वेश्चन आयर है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन द सर्वे रिसर्च प्रोसेस क्या होती है भाई, क्वेश्चन आयर डिज़ाइन करना ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट पूछा कि विच क्वेश्चन दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्वेश्चन ज्वाइन टुगेदर, जब दो और दो से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग एंड कर देते हैं तो वो होते हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चन होते हैं आपके। नेक्स्ट मैं पूछूंगा द डिस्क्रीट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, भाई डिस्क्रीट वेरिएबल को हम लोग और क्या बोलते हैं, इन्हीं को कैटेगरी वेरिएबल बोलते हैं, इन्हीं को डिसकंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी। तो याद रखना डिस्क्रीट ही आपका कैटेगरियल भी होता है और डिसकंटिन्यूस भी होता है। ऑफिसर इन माई ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटेड, सच आप इस एग्जाम्पल हो वही हम बता रहे हैं वहाँ पर कि एक ऑफिसर हमारे यहाँ का ऑर्गेनाइजर है हायर एवरेज से ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। साइंस रिफर्स किसके लिए करता है भाई, एक सिस्टमेटिक प्रोडक्शन नॉलेज है, बिल्कुल सही है, और नॉलेज प्रोड्यूस बाय अ सिस्टम, दोनों ही सही है, मतलब बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मैथड का, नहीं है अभी पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट अ मैथड ऑफ साइंटिफिक मैथड, नहीं होता है एब्स्ट्रैक्शन, बाकी सारे हैं। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप अमंग द आपका क्या है वेरिएबल, द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिस्कस इन इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से, हाँ ये क्वेश्चन होता है रिसर्च मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड एक्सेप्ट, भैया रिसर्च हमारी सब जगह काम करती है लेकिन रिलीजन में काम नहीं करती है, इसीलिए रिलीजन में के बारे में नाटक किया तो सब हो जाएगा फिर। All of the following are true statement about the except research. सारे सही हैं लेकिन एक गलत है, किस पर कि result are generalizable, generalize नहीं होता है हमेशा, ये हमारा अलग अलग होता है हमेशा। Which of the following is the characterization of action research? भैया ये कब होगा कि data are usually आपका qualitative होगा तभी हमारा यहाँ आएगा। If a researcher study the effect of using laptop in classroom to assert their merit and worth, He is likely to conducting which of the following types of research? भाई लैपटॉप लेके बैठा है तो वो evaluation ही कर रहा होगा सभी लोगों का। Exploratory research क्या होती है? Address which of the following type of question? Exploratory research का मतलब है जो हम लोग what की बात करते हैं, क्या है तो what याद रखना exploratory है। Which of the following is not a source of getting information from exploratory research? तो जब हम कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो कंटेंट एनालिसिस आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में नहीं आता है। नेक्स्ट बात करें अ वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम टू कॉज द चेंज इन अनदर वेरिएबल इज नोन एज, भैया जब एक वेरिएबल प्रिसोज्ड है, वेट